नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहां डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एची हाई स्कूल, कोट रोड, गिरिडीह। खेल खेल में छोटे छोटे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए गिरिडीह का एकमात्र बिगनर ए प्ले स्कूल। नामांकन जारी है। कबीर ज्ञान मंदिर के नजदीक पुराना उसी पुल सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई पर इंडी गठबंधन के नेताओं ने बड़ा चौक पर की जमकर आतिशबाजी। रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई खुशियां। इधर झामुमो कार्यालय और अन्य कई प्रखंडों और स्थानों पर भी मनाया गया जश्न। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से गिरिडीह पुलिस ने बेंगाबाद क्षेत्र से 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। एक कार समेत मोबाइल फोन, एटीएम, पैन कार्ड किया गया बरामद। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के अधिकारियों की टीम के साथ बदगुंदा में मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर स्थल का किया गया निरीक्षण। जमीन को चिन्हित करते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए बताया उपयुक्त जमीन सरकार से मिल चुकी है निर्माण की अनुमति। नगर निगम से सेवानिवृत्त हुए 6 कर्मियों को पावना राशि का किया गया भुगतान। उपनगर आयुक्त ने सभी को कार्यालय बुलाकर सेवानिवृत्त जीवन की दी शुभकामनाएं। 28,83,256 रुपए का किया गया भुगतान। और जम्मू अंचल कार्यालय में एक फरियादी ने सीओ का पाव पखाड़ने के लिए लोटा पानी लेकर दिया धरना। जमीन की रसीद नहीं काटने पर परेशान है फरियादी। सीओ के कार्यालय नहीं पहुंचने पर निकाली भड़ास। और अब खबर विस्तार से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई पर इंडिया गठबंधन गिरिडीह की ओर से बड़ा चौक में शुक्रवार को जमकर खुशियां मनाई गई। सबसे पहले यहां झामुमो कांग्रेस समेत गठबंधन के नेता कार्यकर्ता एकजुट हुए और हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए। नेताओं कार्यकर्ताओं ने उत्साहित होकर कहा कि जेल का ताला टूटा, हेमंत सोरेन छूटा। इस मौके पर पटाखा भी जमकर फोड़ा गया, साथ ही रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां जाहिर किया गया। इस बाबत विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि आज का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है। झारखंड के चहेते लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन जेल से रिहा होकर लोगों के बीच है। कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। हम सभी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। कहा कि निश्चित तौर पर 2024 के बाद का समय झारखंडियों का होगा। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि जिस मुकदमे का कोई आधार नहीं था, उस मुकदमे में हेमंत सोरेन को गलत तरीके से फंसाया गया था और जेल भेजा गया था, लेकिन अब वह बाहर आ चुके हैं। मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अजय कांत झा, अनिल राम, सुमित कुमार, राकेश रंजन, अभय सिंह, रॉकी सिंह, दिलीप रजक, पप्पू रजक, अशोक राम, मेहताब मिर्जा, आशा दुल्ला, बबली मरांडी, नरेश वर्मा, अहमूद अली खान, पारस मित्र, मोहम्मद निजाम अंसारी, मंजूर अंसारी, मजहर मुमताज, MD अनवर समेत इंडिया गठबंधन के कार्यकर्तागण मौजूद थे। आज का दिन झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे नेता हेमंत सोरेन जेल से रिहा होकर अपने लोगों के बीच है और आज माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। हमारे नेता को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। अपने राजनीतिक विरोधियों की तमाम चालों को ध्वस्त करते हुए हमारे नेता आज जेल से निकले हैं और आने वाले समय में झारखंड में तमाम अपने राजनीतिक विरोधियों को हम लोग ध्वस्त करने में हेमंत बाबू के नेतृत्व में कामयाब होंगे और 24 के बाद का समय झारखंडियों का समय होगा, झारखंडी हितों का समय होगा।
ऐसे मुकदमे में जिसका कोई आधार नहीं था, ऐसे मुकदमे में ईडी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था हमारे माननीय नेता श्री हेमंत सोरेन जी को, और आज उनको माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर जमानत मिली है, और इससे हम बहुत खुश हैं। और इससे बहुत तरह के राजनीतिक संदेश जाते हैं, और निश्चित रूप से इससे हमें आने वाले चुनाव में बहुत मदद मिलेगी, और ये सत्य की जीत है। कहाँ है जिस जो कहा गया है कि सत्य पराजित हो सकता, जीत मतलब परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता, ये उस कहावत को दोबारा चरितार्थ किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में जश्न मनाया गया। विधायक सुदिव्य कुमार समेत पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता और सहयोगी गठबंधन दल के नेता व कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और खुशी का इजहार किया। यहां सभी ने अबीर गुलाल लगाकर, आतिशबाजी कर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया जैसे नारेबाजी करते हुए पार्टी के नेताओं ने खुशी का इजहार किया। मौके पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि आज विपक्षी दलों का षड्यंत्र और साजिश नाकाम हो गई है। कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जीत ने झारखंड में विपक्षी दलों की षड्यंत्र और साजिश को पर्दाफाश किया है, और यह पुनः स्थापित किया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हमारे हेमंत बाबू परेशान हो सकते हैं, पराजित नहीं हो सकते। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से गिरिडीह पुलिस ने बेंगाबाद थाना से 4 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने पपौरा टाण कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपियों में सनफराज अंसारी, कमरुद्दीन अंसारी, रंजीत कुमार मंडल और परमेश्वर कुमार मंडल शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 6 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, पासबुक, पेटीएम, पैन कार्ड समेत एक स्विफ्ट कार को भी बरामद किया है। बताया गया कि एसपी को मिली सूचना के आधार पर आबिद खान पुलिस उपाधीक्षक साइबर के नेतृत्व में टीम गठित कर साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया गया। इसके बाद चारों साइबर अपराधियों को बेंगाबाद थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। टीम में पुलिस अवर निरीक्षक रोहित कुमार महतो, पुनित कुमार, गौतम गुंजन कुमार, संजय मुखियार, घनश्याम बिरवा, मनोज कुमार आदि जवान शामिल थे। बता दें कि गिरिडीह में इन दिनों साइबर अपराधियों की सामत आई हुई है, लगातार साइबर अपराधी धरे जा रहे हैं। लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध में छापामारी की जाती रही है। इसी क्रम में सूचना मिली थी कि ताराटांड बेंगाबाद में कुछ साइबर अपराधी अपराध करने की योजना बना रहे हैं। इसी में आबिद खान डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें 4 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से कई मोबाइल और फर्जी सिम और पैन कार्ड, आधार कार्ड की बरामदगी की गई है। 4 अभियुक्तों में एक परमेश्वर कुमार मंडल है, जिनका कि काफ़ी बृहद आपराधिक इतिहास रहा है। ये दिल्ली के स्पेशल सेल के भी कांड में वांछित अपराधी हैं, तथा यहाँ पर भी ताड़ा टाण के कांड में फिरार चल रहे थे। इन्होंने कन्फेस किया है कि ये बैंक अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेकर ठगी का प्रयास करते थे, तथा मातृत्व राशि की जो मातृत्व लाभ की जो राशि होती है उनको दिलाने के नाम पर लोगों को झांसा देते थे, तथा उनसे भी ठगी करते थे। साथ ही ये फर्जी सिम के माध्यम से भी कई लोगों को ठगी करते थे। और अभी गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध में जो अभियान चलाया जा रहा है वो जारी रहेगा। अभी तक लगभग 250 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, और इनके पास से एक जो बरामद हुआ है उसमें एक महंगी कार भी है, और जिसको कि पुलिस जांच कर रही है कि किस परिस्थिति में साइबर के पैसे से इस कार की खरीदारी की गई है। आने वाले समय में और भी छापामारी अभियान चालू रहेगा। के कांड में वांछित थे, हम लोग दिल्ली के स्पेशल सेल में भी इसकी गिरफ्तारी की सूचना देंगे, ताकि वो अपने इसको कांड में रिमांड कर सकें और एक लंबी अवधि तक ये कारावास में रह सकें। थैंक यू सर। नगर निगम से सेवानिवृत्त हुए 6 कर्मियों की पावना राशि का भुगतान शुक्रवार को निगम कार्यालय में किया गया। बताया गया कि निगम से सेवानिवृत्त आशा हारीन, चमेली देवी, भवानी मरवाड़ी, ममता देवी, मीना देवी,
शांति हारीन के बीच 28,83,256 रुपए का भुगतान किया जाना है। मौके पर उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको ने कर्मियों को बुलाकर उन्हें सुखद सेवानिवृत्त जीवन की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि नगर निगम परिवार जैसा है, हमेशा सभी के दुख सुख की घड़ी में निगम परिवार खड़ा रहेगा और हर संभव मदद भी की जाएगी। इस बाबत उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको ने कहा कि आज बड़े ही खुशी का दिन है कि 6 लोगों को उनका बकाया पावना का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि अन्य मद और बकाया से संबंधित लोगों के भुगतान के लिए राज्य सरकार से पत्राचार किया गया है। 28 जून 2024 निगम के लिए बहुत खुशी का दिन है। यहाँ पर हमारे पूर्व के जितने भी कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मी थे उनमें से कुल 6 लोगों को 28,83,000 रुपये कुल जो है ये राशि है और 6 लोगों के बीच में इनका पावना था जो काफ़ी वर्षों से लंबित था। हम लोगों ने आंतरिक संसाधन के माध्यम से इन सभी पावनाओं को ड्यूज़ को क्लियर कर दिया है और आगे भी हम लोगों ने ACP, MACP और बाकी जो बकाया जिन लोगों का उसके संबंध में भी पत्राचार राज्य सरकार से किया है और कल सचिव महोदय के की बैठक है वहाँ पर भी इस मामले पर हम लोग गंभीरता से इतनी बातों को रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम लोग इन बाकी सारे ड्यूज़ को क्लियर कर देंगे। सभी आम नागरिकों से मेरी अपील है कि निगम के कर्मी आपके अपने घर के नागरिक हैं और आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं और निगम प्रशासन और निगम ऐसा संस्थान हमेशा अपने कर्मियों के प्रति और उनके दायित्वों के प्रति और उनकी ज़रूरतों के प्रति हमेशा सजग रहेगा। थैंक यू। जमीन का रसीद नहीं करने पर जम्मू अंचल अधिकारी का पाव पखारने के लिए शुक्रवार को लोटा पानी लेकर एक फरियादी कार्यालय के बाहर बैठा रहा, लेकिन अंचल अधिकारी कार्यालय नहीं आए। बताया गया कि जमीन का रसीद कटाने के लिए यह व्यक्ति महीनों से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। बताया गया कि झारखंड में अफसरशाही किस कदर हावी है इसका उदाहरण जम्मू अंचल में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जानकारी दी गई कि जम्मू अंचल के धर्मपुर के रहने वाले दुखरन पाठक के द्वारा करीब 6 महीने पहले अंचल कार्यालय में आवेदन दिया गया था। आवेदन देने के बाद पहले तो तरह तरह का पेपर मांगकर करीब 3 महीने तक दौड़ाया गया। उसके बाद कर्मचारी अमीन से लेकर अंचल अधिकारी संजय पांडे के द्वारा भी जमीन पर जाकर निरीक्षण कर लिया गया। कर्मचारी अमीन के द्वारा जांच रिपोर्ट भी दे दिया गया, उसके बाद भी रसीद नहीं काटा जा रहा है और न ही रसीद नहीं काटने का कोई कारण ही बताया जा रहा है। जिससे परेशान होकर आवेदक के पुत्र अजीत कुमार पाठक थाली और लोटा में पानी लेकर अंचल अधिकारी के पैर धोने के लिए अंचल कार्यालय पहुंच गए। बताया गया कि 6 महीने से ज्यादा हो गया लगातार विनती करने के बाद भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो संभव है कि चरण धोने के बाद सुन ले और इनका काम हो जाए। क्या मामला है? हम यहाँ के व्यवस्था से त्रस्त हैं। थोड़ा जोर से बोलिएगा। हम यहाँ के व्यवस्था से त्रस्त हैं जी। हम 2023 में यहाँ पे ऑनलाइन रसीद कटवाने के लिए हम आवेदन दिए हैं और उसको रिसीव होने के बाद आज ऐसा 6 महीना से ऊपर हो गया है, 7 महीना करीब करीब हो गया है। हमारा रसीद ना तो कट रहा है ना तो हमको कोई ऐसा उचित उत्तर दिया जा रहा है। CO साहब और जितने भी कर्मचारी हैं सब से आग्रह करके हम थक गए और आज लोटा पानी लेकर के हम चाहते हैं कि हमारे आग्रह में कोई कमी रह गया है और उस आग्रह को पूरा करने के लिए हम लोटा पानी लेकर के आए हैं ताकि CO साहब का चरण धोया जाए और यहाँ के अधिकारियों का चरण धोया जाए और हमारा काम है सो सुलभता से और आसानी से हो जाए। कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं आप? 6 महीना से ज़्यादा हो गया है। अच्छा। मेरा आवेदन दिया हुआ है नवंबर में, हालांकि इसको रिकॉर्ड में लिया गया है दिसंबर 2023 में। अच्छा। और दिसंबर 2023 से आज जून चल रहा है 2024 का, अभी तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। हम यहाँ पे इस कार्यालय में परसों भी आए थे और CO साहब कहे कि आप यहाँ पे आए हैं ठीक बात है, हम आपको बुलाए नहीं हैं, आप अपने से आए हैं। हम बोले सर अपने से हमारा काम है तो हमको आना पड़ेगा, हम अपने से आए हैं। और बोले कि आप फ़ोन कर लीजिएगा हमको आज के बारे में, 2 दिन के बाद आप हमको फ़ोन कर लीजिएगा और सेकेंड टाइम में फ़ोन करिएगा। हम CO साहब को बोले कि सर आप फोन तो उठाएंगे नहीं, आप हमारा मैसेज भी नहीं देखेंगे, फिर भी हम आपको सर कॉल करेंगे। मैंने कॉल किया यहाँ पे आकर के CO साहब को, उन्होंने मेरा कॉल को रिसीव नहीं किया
और न ही अभी तक कोई जवाब आया है। और हमको यहाँ के कर्मियों से पता चला है कि 5:30 बजे के करीब करीब सर यहाँ पे आने वाले हैं, तो हम इंतजार करते करते थक गए कि सर आएंगे, हम ऐसे उनका चरण धो लेंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारा काम है सो लगता है उसके बाद हो सकता है हो जाए। अभी समय 6 बज गया है, रसिया सब क्या पहुँचे या नहीं पहुँचे? नहीं अभी तक पहुँचे नहीं है, हम है सो अब प्रतीक्षा अब हमसे नहीं हो सकता है, अब हम प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे, अब हम यहाँ से चले जाएंगे और हम इस कार्यालय में तब तक नहीं आएंगे जब तक हमारा काम नहीं हो जाएगा। कितने देर से आप यहाँ पे? हम यहाँ पे कार्यालय में करीब करीब 2 बजे आए हैं और 2 बजे से लेकर के 6 बजे मतलब करीब करीब 4 घंटा हम यहाँ पे बिता चुके हैं, कभी यहाँ पे कभी उधर जा करके बैठ करके हम बिता चुके हैं। कर्मियों से यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन लोगों से मैंने पता किया बार बार कि सर कहाँ हैं और कितने बजे तक आएंगे, तो कभी 4 बजे पता चला, कभी 5 बजे पता चला, अंतिम में हमको 5:30 बजे बताया गया, तो हम 5:30 बजे तक यहाँ पे इंतजार किए सर का, लेकिन अभी तक है उसका कोई समाधान हमको नहीं मिला। सर के बारे में हमको कोई पता नहीं है कि कहाँ है, मेरा काम इतना दिन से क्यों लटका है, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम कार्यालय में जाकर सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू से मुलाकात की। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल ने 3 मांगों पर विचार करने से संबंधित एक पत्र विधायक को सौंपा। मांग पत्र में कमीशन में 50 पैसा की वृद्धि कर 2 रुपया करने, अनुकंपा को पूर्व के भांति चालू करने और जब तक 4G की सेवा चालू ना हो जाए इलेक्ट्रॉनिक काटा को EPOS मशीन से हटाने की मांग शामिल थी। बताया गया कि पूर्व में सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू और गांडे विधायक कल्पना सोरेन से भेंट कर तीनों मांगों को झारखंड सरकार से पूरा करने की बात कही गई थी। इसी के तहत चुनाव संपन्न होने के बाद फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के द्वारा विधायक को मांग पत्र सौंपा गया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ओकारनाथ झा, प्रदेश सचिव राजेश कुमार बंसल, गिरिडीह नगर अध्यक्ष अमित कुमार, पीरताण प्रखंड अध्यक्ष दिगंबर सिंह, राधे मोदक आदि मौजूद थे। माननीय विधायक एक मांग पत्र प्रदेश कमेटी और गिरिडीह पीटा कमेटी, नगर कमेटी और गिरिडीह प्रखंड कमेटी के द्वारा सौंपा गया। हमारे मांग पत्र में मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। हमारी जीविका जो सरकार हमें अभी कमीशन देती है उससे पूरी नहीं हो रही है। माननीय विधायक जी ने और गांडे की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन जी ने चुनाव के क्रम में हमसे वादा किया था कि आपके कमीशन में 25 पैसा की और वृद्धि कर 2 रुपया प्रति किलो कमीशन कर दिया जाए। एक मांग हमने ये दी है। 2022 में खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री रामेश्वर उराव जी ने एक नया संकल्प पत्र लाकर अनुकंपा को एक उम्र सीमा में बांध दिया। 60 वर्ष से अधिक के जनवितरण विक्रेता की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलता। हमने अनुकंपा को पूर्व की तरह बहाल करने के लिए एक मांग पत्र माननीय विधायक जी को सौंपा है। ये भी उन्होंने वादा किया था कि गांडे विधानसभा चुनाव के बाद ये मांग आपकी हम पूरी कर लेंगे। इसलिए हमारी मुख्य मांग है कि हमें जो अभी इलेक्ट्रॉनिक कांटा दिया गया है जो ईपोस मशीन से कनेक्ट है, उसी से हम लोग अभी काम चला रहे हैं। नेटवर्क की काफ़ी समस्या है और इसका जो मेंटेनेंस है वाहन वो भी हमें करना पड़ता है। जब तक 4G की सुविधा तो झारखंड सरकार ने विधानसभा से पास कर दी है और विचाराधीन है, बहुत जल्दी लगने वाली है, जब तक वो नहीं लगे तब तक इलेक्ट्रॉनिक कांटा को हटाया जाए। हमारी ये 3 मांग हमारे गिरिडीह के माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी से है और हम आशा करते हैं कि 15 दिनों के भीतर इनके द्वारा ये हमारी मांग पूरी की जाए।
झारखंड के आंदोलनकारी और पूर्व जिला परिषद सदस्य किशोर रविदास की मौत शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने से पैतृक गांव महच्चो में हो गई। बेंगाबाद पश्चिमी भाग से पूर्व जिला परिषद सदस्य रहे 65 वर्षीय किशोर रविदास कुछ समय से बीमार चल रहे थे। इस बीच तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई। इनके आकस्मिक निधन पर पंचायत प्रतिनिधियों ने शोक प्रकट किया। शोक जताने वालों में जिला परिषद सदस्य केदार हाजरा, मुखिया प्रियंका कुमारी, प्रतिनिधि नरसिंह नारायण देव, वार्ड सदस्य चुरामन हाजरा, चंद्रशेखर हाजरा, अशोक यादव, शिबू हेब्रम, मुरलीधर पांडे सहित कई अन्य लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने की खुशी में बांकी कला हटिया मैदान में जेएमएम के द्वारा शुक्रवार को जश्न मनाया गया। यहां काफी संख्या में लोग उपस्थित होकर पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में जोरदार तरीके से नारा लगाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान जेएमएम कार्यकर्ता मोहम्मद इनाम, नासिर अंसारी, मसरुद्दीन अंसारी, अब्दुल रहमान, अब्दुल रब, मुर्ताज अंसारी, कासिम अंसारी, सद्दाम अंसारी, शराफत अंसारी, सफाउल अंसारी, जमशेद अंसारी, सुलेमान अंसारी आदि मौजूद रहे। अहिल्यापुर के गंजकुंडा गांव में अज्ञात लोगों ने सनाउल अंसारी के बगीचे में लगे 5 छोटे छोटे पेड़ को काटकर बर्बाद कर दिया। शुक्रवार को सनाउल अंसारी ने इसको लेकर अहिल्यापुर थाना में आवेदन दिया और जांच एवं कार्रवाई की मांग की। इधर थाना में आवेदन मिलने के बाद अहिल्यापुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा बगीचे में कटे पेड़ को देखा तथा ग्रामीणों से पूछताछ कर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। इसको लेकर गजकुंडा निवासी सनाउल अंसारी ने बताया कि गुरुवार की रात्रि अज्ञात लोगों ने उसके बगीचे से 5 पेड़ काटकर बर्बाद कर दिया। बगीचे में कटे पेड़ की जानकारी शुक्रवार सुबह हो गई, तब ग्रामीणों के साथ बगीचे में कटे पेड़ की जानकारी ली तथा अहिल्यापुर थाना में आवेदन देकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि गांव के एक परिवार के साथ उसका जमीनी विवाद चल रहा है, जिस कारण कुछ लोगों ने उसके बगीचे में लगे पेड़ को काट दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने की खुशी में बांकी लाल हटिया मैदान में जेएमएम के द्वारा शुक्रवार को जश्न मनाया गया। यहां काफी संख्या में लोग उपस्थित होकर पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में जोरदार तरीके से नारा लगाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान जेएमएम कार्यकर्ता मोहम्मद इनाम, नासिर अंसारी, मसरुद्दीन अंसारी, अब्दुल रहमान, अब्दुल रब, मुर्ताज अंसारी, कासिम अंसारी, सद्दाम अंसारी, शराफत अंसारी, सफाउल अंसारी, जमशेद अंसारी, सुलेमान अंसारी आदि मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई पर इंडी गठबंधन के नेताओं ने बड़ा चौक पर की जमकर आतिशबाजी। रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई खुशियां। इधर झामुमो कार्यालय और अन्य कई प्रखंडों और स्थानों पर भी मनाया गया जश्न। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से गिरहेडी पुलिस ने बेंगाबाद क्षेत्र से 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। एक कार समेत मोबाइल फोन, एटीएम, पैन कार्ड किया गया बरामद। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के अधिकारियों की टीम के साथ बदगुंदा में मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर स्थल का किया गया निरीक्षण। जमीन को चिन्हित करते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए बताया उपयुक्त जमीन सरकार से मिल चुकी है निर्माण की अनुमति। नगर निगम से सेवानिवृत्त हुए 6 कर्मियों को पावना राशि का किया गया भुगतान। उपनगर आयुक्त ने सभी को कार्यालय बुलाकर सेवानिवृत्त जीवन की दी शुभकामनाएं। 28,83,256 रुपए का किया गया भुगतान।
और जम्मू अंचल कार्यालय में एक फरियादी ने सीओ का पाव पखारने के लिए लोटा पानी लेकर दिया धरना। जमीन की रसीद नहीं काटने पर परेशान है फरियादी, सीओ के कार्यालय नहीं पहुंचने पर निकाली भड़ास। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।